तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका गैस चूल्हा स्लो चलता हो या फिर रेड फ्लेम आती हो तो उसे रिपेयर करने के लिए इतना तो आपको मालूम ही होगा, प्लेट निकाल इसका ये स्टैंड और प्लेट को बनने का निकालना आसान ही है, पर आगे खोलने के लिए इसको उल्टा करके कितना भी आप खोल सकते हो। इसके बाद रेगुलेटर बंद कर दीजिए और ये नॉब को ऑन की पोजीशन में रख के यहाँ से ये वाला स्क्रू खोल के अपने नॉब बाहर निकाल लेंगे, फिर आगे का नॉब निकाल के मैं आगे का आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमने नॉब निकाल लिया इसको लूज करके और इसी पोजीशन में एक और फ्रेंड्स ये वाला रहता है, ये ऑफ पोजीशन में इधर चल जाता है, ऑन पोजीशन में ही यहाँ रहता है, इसे खोलेंगे इस तरह से। जी हमने खोल लिया है, ये ओपन करने के बाद ये निकल जाएगा। ये निकल गया, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ आ गया है। कई बार जो इसके जॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर कार्बन फंस जाता है, वैसे भी इतना करके देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो इस चीज़ को अपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इधर भी ये दो नट खोलने के बाद ये अलग हो जाएगा और ये इसको फिर अलग करके ये रॉड के पूरे में कार्बन निकाल सकते हैं, पर पहले अपन इतने में ही देखते हैं, अगर इतने में से ठीक हो जाता है ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर भी खोल के कार्बन निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये देखिए यहाँ से होकर गैस इसके अंदर एंटर करती है, तो इसके बाद एंटर फ्रेंड्स कहाँ आती है, सामने से आती है, सॉरी फ्रेंड्स सामने से नहीं, हो एक ऊपर की तरफ सर यहाँ पर ये देखिए यहाँ की जगह एक होल है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक होल आपको साथ दिख नहीं रहा होगा, एक ऊपर से होल है और ये रहता है ये सामने से इसके, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक होल होता है, वहाँ से एंटर कर ये होल से एंटर करती है और यहाँ से जाती है सामने की ओर, मतलब गैस यहाँ से एंटर करती है और सामने की तरफ जाती है, इस तरफ सामने जाती है और सामने को ये ऐसे नोजल से निकलती है, और ये जितने भी पार्ट्स हैं फ्रेंड्स इन लोग इसमें सब में कार्बन जमा हुआ है, तो इसके हम एक बार वॉश करके कार्बन निकाल देंगे तो इसका जो स्लो चलने का या रेड फ्लेम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये दो पार्ट्स रहते हैं, एक ये कोनिकल टाइप का और एक ये इसका नोजल, दो चीज़ रहती है और ये जिसके अंदर घूमता है ये चीज़, तीन चीज़ रहती है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसे वॉश कर लेता फिर आगे का आपको वीडियो दिखाता हूँ। तरह इसकी जो है ओपनिंग है, इसमें कपड़ा डाल के सॉफ्ट कॉटन का लेंगे कपड़ा और इस तरह घुमा घुमा के साफ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये काला निकलेगा, दोनों साइड इधर भी और इधर भी डालेंगे, कपड़ा डाल देंगे और घुमा घुमा के साफ करेंगे। और फ्रेंड्स खास करके ये होल आपको दिख रहा है नहीं, ये देखिए फ्रेंड्स ये होल खास करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो एलपीजी
कि जो गैस है ये देखिए फ्रेंड्स आपको दिखा होगा, ये वाले हॉल से यहाँ से आती है और ये सामने की ओर इस वाले हॉल में, सामने वाले हॉल में जाती है। यहाँ ये चीज देखिए तार आपको दिख रहा है यहाँ से आती है तो उधर जाकर, खास करके ये हॉल और ये हॉल क्लियर होना चाहिए। और एक ये नोजल आपको क्लियर होना चाहिए और एक ये कोनिकल टाइप का ये है, क्योंकि अभी आपको दिखाया था एयर यहाँ से एंटर होती है और इधर सामने तरफ से निकलती है, इसलिए यहाँ पर बीच में जो भी आपको परेशानी होती है या फिर कालापन कार्बन वगैरह रहते हैं इसलिए दिक्कत है कि ये हॉल से ये हॉल तक क्लियर और उधर साइड वाले हॉल से सामने वाले हॉल तक, साइड वाले हॉल से सामने वाले हॉल तक और यहाँ पे नोजल, ये दो तीन चीज़ें रहती है जो अगर क्लियर हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, इतना करने के बाद ये देखिए ये नोजल नीचे की ओर इसके प्लेस पे इस तरह लगा के हल्का सा टाइट करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रास का है टूट जाएगा ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो। अब फ्रेंड्स ये फ्रेंड आगे की इसमें आपको देखिए फ्रेंड्स, आगे की इसमें आपको एक कोनिकल पार्ट डालना है इसको, ये देखिए जो कट पार्ट है ये नीचे रहने देना क्योंकि इसमें स्क्रू आएगा फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको सीधे यूँ डालिए, फिर उसके बाद स्प्रिंग डालिए, उसके बाद ये डालिए और इसको थोड़ा एक हाथ से दबा के रखिए और नीचे स्क्रू लगाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स टाइट कर देंगे और आप जो ये दूसरा वाला है इसे भी यहाँ पर रख कर इस तरह टाइट कर देंगे। ये लेंगे इस तरह से इसमें डालते हुए और एक इसमें लेते हुए इसे टाइट कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसे सीधे करेंगे और दोनों साइड छोटा बर्नर उसकी प्लेट और ये देखिए फ्रेंड्स, कि तुम यहाँ आए कैसे? वो कमरा जी इसकी चिट्ठी।